आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी की बात करें तो एमपी में लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलने वाली है और प्रदेश के कई हिस्सों में दो दिन से आसमान में बादल छाए हैं और इसकी वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में मौसम से अभी जो है हल्की गिरावट इसमें देखने को मिलेगी और मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के निवासियों को इस सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को छतरपुर जिले के नौगांव और खजुराहो में 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखा गया था और रविवार को दोनों स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। रविवार को यहां 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया और सोमवार को इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार से पारा और नीचे जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और मौसम में मामूली बदलाव पर उन्होंने कहा कि एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा पश्चिम उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर चल रही है और जिसकी वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।